एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, टैबलेट और स्मार्टफोन के संदर्भ में एक और बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। देखिए, थंबनेल पर लिखा जा रहा है कि 27,700 विद्यार्थियों को जल्द मिलेंगे टैबलेट स्मार्टफोन का उपहार। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक ज़िले की लिस्ट जारी हुई है जिसमें आप नीचे देख पा रहे हैं, मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर लिखा है यहाँ पर, और आप बेहतरीन तरीके से सब कुछ आपके सामने टैबलेट भी नज़र आ रहा है। लिखा जा रहा है कि कुल 164 कॉलेजों के 58,000 छात्र छात्राओं को मिलना है लाभ। अब आपके मन में जो है डाउट आ रहा होगा कि 164 कॉलेज वह किस ज़िले के हैं, और जो 58,000 छात्र रखे गए हैं, जो है 58,000 छात्र छात्राओं को मिलना है लाभ, तो 58,000 छात्र ये जो रखे गए हैं ये किस ज़िले के छात्र हैं। तो बिल्कुल इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के संदर्भ में पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। तो फिलहाल के लिए मैं सबसे पहले आपको अपडेट दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अपडेट्स आपके सामने लगी है और आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर लिखा जा रहा है 23,700 विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। डिग्री व इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। अच्छा, इसके अंदर पूरी खबर क्या है आपके सामने भी दिख रही है। लिखा जा रहा है कि डिग्री एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बहुत जल्द मिलने वाले हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भेजकर उपायुक्त ने छात्र छात्राओं की फाइल सूची मांगी। DIOS के भी सत्यापन कार्य कर रहे हैं। वितरित करने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट मंगा लिए गए हैं। सूची आते ही निःशुल्क वितरण शुरू कराया जाएगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पहली बात तो निःशुल्क यह है जिसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। और आगे कहा जा रहा है कि जिले में पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 164 कॉलेजों में 58,000 छात्र चिन्हित हैं। इसमें से पात्र छात्राओं की सूची निकाली जा रही है। हालांकि अभी तक भले ही फाइनल न हुई हो, लेकिन शासन ने स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के लिए भिजवा दिया है। लगभग 23,700 टैबलेट स्मार्टफोन आ चुके हैं। आप यहां से पूरी अपडेट को देख पा रहे हैं और यहां लिखा जा रहा है इन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हमने बहुत पहले ही आपको बताया था कि कैसे टैबलेट मिलेगा, किसे स्मार्टफोन मिलेगा। देखिए, कहा जा रहा है कि डिग्री जिले की डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेज के 164 चिन्हित हैं, ठीक है। इसमें से 58,000 छात्र छात्राओं को चिन्हित किया गया है। डिग्री कॉलेज के BA, MA, BCom, BEd, BSc, MSc आदि के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेगा। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को टैबलेट मुहैया कराया जाएगा। इन सभी ITI प्रशिक्षण संस्थान BTech, MTech, बायोटेक आदि इंजीनियरिंग कॉलेज के पात्र होंगे, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपने देखा, सब कुछ आपके सामने नजर आया, यानी कि जो यह अपडेट्स रखी गई हैं यह बाराबंकी ज़िले की अपडेट्स है, यानी कि बाराबंकी ज़िले में टोटल 58,000 छात्र हैं जो इस टैबलेट और स्मार्टफोन का लाभ जिसे मिलना है, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इधर इनके पात्रता के बारे में लिखा गया है कि कौन से छात्र पात्र हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।